मेरे बच्चे बहुत शौक है उनको छोटा भीम का, और हर उनके मेरे बेटे के रूम में तो उसका सिर्फ पर्दा छोड़ के बल्कि तकिए का गिलाफ और चादर और उसके खिलौने और उसके शूज़, उसकी चप्पलें, सब छोटा भीम था। सो आई थिंक दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है और बीइंग अ माइटी मॉम। भीम भले ही इज नॉटी बट इज़ अ वेरी सिंसियर, वेरी कॉन्स्टेंशियस बॉय। उसके एक बहुत ही जैसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कार्टून के ज़रिए हम अपनी सभ्यता, हम अपने कल्चर को अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो वो एक किस तरह के बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की बहादुरी होनी चाहिए बच्चों में, आई थिंक ये एक सीख मिलती है, लेकिन इंटरटेनमेंट के ज़रिए। So I think Chhota Bheem is one of the cartoons that I would recommend to every mother for her child. हमारे हिंदुस्तान में मैं समझती हूँ हमारी औरतों के पास एक कुछ अंदरूनी शक्ति है कि वो सब कुछ संभाल सकती हैं, अपनी घर गृहस्थी संभालती हैं, चाहे वो खेतों में काम कर रही हों या यू नो बीएमसी ऑफिसेज में काम कर रही हों या वो नॉर्मल ऑफिसेज में काम कर रही हों। आई फील उनमें इतनी शक्ति है कि वो रोज़ सुबह जल्दी उठती हैं, अपने बच्चों को तैयार करती हैं, उनका खाना नाश्ता तैयार करती हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर खुद अपने काम के लिए निकलती हैं, लोकल ट्रेन पकड़ के जहाँ पे भी पहुँचती हैं अपना काम पूरा दिन करके वापस घर आती हैं, फिर वो वापस उनका वो शेड्यूल स्टार्ट होता है, बच्चों की होमवर्क कराना, उनके कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना और फिर शायद उनके ऑफिस का काम करना एंड फिर वो आगे निकलती है। तो ये एक अंदरूनी अपने आप में शक्ति है, आई थिंक इसलिए हम अपने हिंदुस्तानी औरतों को मोस्टली देवियों के जैसे मानते हैं। कहीं ना कहीं एक औरत को वो जो बैलेंस पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर वो सक्सेसफुली करती है तो वो वाकई में माइटी मॉम कहलाती है।